पार्टी में जिसमें आप साथ थे? नहीं, पहले आशु पार्टी जिस पार्टी में मैं था, आशु पार्टी में, तो वहाँ पे एक्चुअल मैं हूँ तेली समाज से, तो वहाँ पे आशु को हमारे समाज से उतना ज़्यादा समर्थन नहीं था, लेकिन आज देख रहा हूँ मैं कि झुकाव लोगों का जयराम जी के प्रति है काफ़ी, तो उम्मीद है कि हमारा समाज भी उन्हें दिल खोल के समर्थन करेगा इस बदलाव के लिए। हालाठी नहीं करता है, सामने वाला कोई रहे कड़े शब्दों में उसका तीखा प्रहार करता है, तो युवाओं का एक विश्वास जगा है, युवाओं का एक नई आस जगी है और युवा लगातार हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका परिणाम विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। खलबली मची हुई है। हाँ बिल्कुल, उनकी उदासीन राजनीति रही, उन्होंने हमेशा अपने परिवार की प्रॉपर्टी को बढ़ाने की राजनीति की है, चाहे जो भी झारखंड के क्षेत्रीय दल रहे, चाहे देश की दो दलें रहे, उन्होंने केवल अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम किया है। तो आज झारखंड के लोग जिन मुद्दों पे बात करना चाहते थे, जिन मुद्दों पे समाधान चाहते थे, उन मुद्दों पे हम लोग मुखर होकर बात कर रहे हैं, उन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए युवाओं का, अभिभावकों का लगातार जमावड़ा, वे लोग लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आजू पार्टी से तेली समाज के जो है नेता जुड़े हैं अपने पार्टी में? देखिए, निस्संदेह हमारे साथ जो झारखंडत की भाव रखते हैं, जो शोषित वंचित विस्थापितों की दर्द को समझते हैं, वो आने वाले दिन हमारी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और मजबूती के साथ आने वाले दिन झारखंड के लिए संघर्ष करते हुए दिखेंगे। कितने सीटों पे चुनाव होंगे? 70 सीटों पे आवेदन मिला है, वहाँ तो फिक्स है, बाकी 11 सीटों पर हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर आप डुमरी जयराम जी, CGL की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है ऐसा चर्चा है? जी, ऐसा अनुमान है और तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं, तमाम जो चीज़ें घटित हो रही है, उससे प्रतीत हो रहा है कि CGL की परीक्षा में पुनः धांधली हुई है, और इसको लेकर हम लोग JLKM के तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उनको मैंने संदेश भी दिया है कि जिला स्तरीय प्रदर्शन की तैयारी करेंगे। आयोग ने पूरी तरह से निष्कासित कर दिया कि पर्चा लीक नहीं हुआ है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दिखाया भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने? देखिए नहीं, देखिए आयोग तो अपने बचाव में हमेशा रहता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक परीक्षा को ठीक से नहीं ले पा रही, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें अपना बचाव ना करके दोषियों पर कार्रवाई नकेल कसने की तैयारी करनी चाहिए। आंदोलन करेंगे क्या? जी निश्चित। लंबोदर में तो एक बार फिर आमंत्रित किया आपने? जी उस दिन बिल्कुल हम चाहेंगे कि वो मीडिया के सामने दोनों बैठे और उसी दिन टेबल टॉक में आमना सामना हो और हम उनकी चुनौती एकदम सर स्वीकार करेंगे, आदर के साथ स्वीकार करेंगे। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए BKD न्यूज झारखंड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।